वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज अ गर्ल मानसी, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज के वीडियो में मैं आपके साथ ये मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ विच इज अ सॉफ्ट स्मोकी आई। नाउ सॉफ्ट स्मोकी आईज काफी प्रिटी लगती है एंड सॉफ्ट स्मोकी आई ऐसे मेकअप होते हैं ना जो आप किसी भी ओकेजन में वेयर कर सकते हो, सो या ये काफ़ी इजी है क्योंकि जितना अभी आपको ऐसा लग रहा है ना, बहुत काम किया गया है। लिटरली मैंने सिर्फ 3 आई शेडोज का यूज़ किया है एंड 3 आई शेडो मैंने सिर्फ 2 आई शेडोज का यूज़ किया है एंड जो ये सेंटर में लगाया है दैट इज़ अ लिक्विड आई शेडो एंड इट्स लाइक काफ़ी ज़्यादा इजी टू यूज़। लाइक लिक्विड आई शेडोज ना, मैं आपको बोलूँगी कि आप ज़रूर खरीदो, दे आर लाइक लिटरली लाइक सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट वे टू क्रिएट एनी आई मेकअप। लाइक अगर आप कोई भी ना नॉर्मल ऐसे क्रीज में ब्राउन, पिंक, रेड कोई भी कलर लगा लिया एंड उसके बाद आप ऐसे कट क्रीज टाइप का दे दोगे ना अगर उससे, सो मतलब पॉइंट ही नहीं बनता कि आप गंदे देखोगे, आपका आई मेकअप गंदा दिखेगा। इट्स गोना लुक रियली प्रिटी। सो या दिस इज आई मेकअप आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू गाइस टुडे एंड मैंने बेस भी किया है एंड ये जो मैंने अभी बेस किया है ना, दिस इज अप्रोप्रिएट फॉर विंटर्स। बट या अगर आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए है विथ स्किन केयर फॉर विंटर्स, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो, सो मैं आपको लिए वो ही बनाऊंगी। एंड या दिस इज द लुक, आई रियली होप यू लाइक द मेकअप लुक अभी से। इफ यू डिड प्लीज हिट द लाइक बटन एंड या इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल और हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल येट, प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग, इट विल मीन अ लॉट टू मी। एंड या विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ओके, सो मेरा फेस ऑलरेडी क्लीन था तो मैं सीधे इसमें आप प्लम का रिवाइटलिंग मिस्ट स्प्रे कर ले रही हूँ एंड उसको मैं फिंगर से डैप कर ले रही हूँ। मैं नेक्स्ट मैंने लिया है गुड वाइब्स का विटामिन सी सीरम एंड उसको भी अपने पूरे फेस में अप्लाई करके मसाजिंग कर लूँगी। विंटर्स के टाइम पे आपको अपनी स्किन को जितना ज़्यादा अच्छा स्किन केयर करो ना उतना अच्छा होता है, इसलिए सीरम लगाना विंटर्स के टाइम पे मस्ट होता है। नेक्स्ट मैंने लिया लैक्मे पीच मिल्क। जितना सीरम इंपॉर्टेंट है उतना ही मॉइस्चराइज़र इंपॉर्टेंट है, सो मॉइस्चराइज़र भी आप लगाइए और हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र लगाइए। नेक्स्ट मैंने लिया है वैसलीन का पेट्रोलियम जेली एंड उसको मैं लिप बाम अप्लाई कर लूँगी। ये काफ़ी अच्छा होता है, आपके लिप को काफ़ी देर तक हाइड्रेटेड रखता है। नेक्स्ट मैंने लिया है वेट एंड वाइल्ड का फूट फोकस प्राइमर एंड ये मैट वाला प्राइमर है, सो इसको हमने टीजोन एरिया पे अप्लाई करते हुए मैं अपने फोरहेड में भी अप्लाई करूँगी। काफ़ी अच्छा फिनिश देता है मेरे फेस को एंड पोर्स भी काफ़ी हद तक ये फिल कर देता है। नेक्स्ट मैंने लिया है सुपर स्टे फाउंडेशन बाय मेबेलिन एंड शेड इज़ 220 नेचुरल बेज एंड इसको अपने पूरे फेस में मैंने डॉट कर लिया एंड देन ब्लेंड कर लिया है। ये काफ़ी फुल कवरेज फाउंडेशन है। नेक्स्ट मैंने लिया वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर इन द शेड मीडियम टॉनी एंड इसको अपने मैं अंडर आइज़ में अप्लाई कर लूँगी। मैंने नोटिस किया ये कंसीलर काफ़ी मैट है ना, तो इसको सेक्शंस में अप्लाई करके ब्लेंड करना ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता है। सो या मैंने इसको अपने आईलेट्स में भी थोड़ा बहुत जो एक्सेस प्रोडक्ट मेरे स्पॉन्ज में लगा है उसको अप्लाई कर लिया है एंड इसकी भी कवरेज बहुत सुंदर है, काफ़ी फुल कवरेज है ये। एज यू कैन सी मेरे डार्क सर्कल्स टोटली कवर हो गए हैं इसकी वजह से। सो या मुझे जहाँ पिगमेंटेशन है मैंने वहाँ भी अप्लाई कर लिया है एंड फोरहेड टिप ऑफ द नोज पे अप्लाई किया है, मैंने ज़्यादा प्रोडक्ट अप्लाई नहीं किया है। मेरा जो ये स्पॉट है चीक में वो कवर नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों, क्योंकि वो शायद थोड़ा सा ज़्यादा बम्पी है इसलिए ऐसा हो रहा है, बट या बाकी चीज़ें इसने टोटली कवर कर दिया था। नेक्स्ट मैंने लिया है NYB का कॉन्टूरिंग स्टिक इन द शेड टॉफी एंड इससे अपना फेस को मैं कॉन्टूर कर लूँगी। एज यू कैन सी इन द वीडियो काफ़ी अच्छी कंसीलर कॉन्टूर स्टिक है, सो या यू कैन गिव इट अ ट्राई। नेक्स्ट मैं इसको एक ब्रश के हेल्प से, एंगुलर ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी। जो आपका चीक बोन्स वाला होता है उसको आप अवर्ड्स में ब्लेंड कीजिए, जो आपका जॉलाइन वाला होता है वो उसको नेक के साइड में ब्लेंड कीजिए लाइक डाउनवर्ड स्ट्रोक में एंड जो फोरहेड वाला होता है उसको आप अपने हेयरलाइन की तरफ ब्लेंड कीजिए एंड जो नोज़ का कॉन्टूर होता है उसको अपने नोज़ के साइड्स में ब्लेंड कीजिए। ये टेक्निक होती है ब्लेंडिंग की। नेक्स्ट मैंने लिया है मिनीसो का लूज पाउडर इन द शेड 01 आइवरी एंड इसको मैं अपने अंडर आइज में अप्लाई कर लूँगी। काफ़ी अच्छा लूज पाउडर है ये, आपके पोर्स भी काफ़ी हद तक फिल कर देता है, आपका फेस काफ़ी
ब्लर्ड आउट दिखता है इसकी वजह से. सो या डू गिव इट अ ट्राई. मैंने अपने कॉन्टूर के नीचे भी थोड़ा सा हाईलाइट किया है, अपने आईलेट्स को भी मैं सेट कर लूँगी, एंड जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर लगाया था वहाँ वहाँ मैंने अप्लाई किया है. मैंने बाकी पूरे फेस में अप्लाई नहीं किया है क्योंकि विंटर्स आ गए हैं तो स्किन ऑलरेडी आपकी काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाती है, एंड फाउंडेशन ही मैंने मैट यूज़ किया है. सो या नेक्स्ट मैंने अपने ब्राउज को फिल करने के लिए यूज़ किया है हिलारी रोडर की आईब्रो ड्राइंग. पहले अपने पुली से अपने ब्राउज को क्लीन कर लेना जो भी एक्सेस फाउंडेशन लगा हो, एंड देन एक एंगुलर ब्रश की हेल्प से मैं अपने ब्राउज को फिल कर ले रही हूँ. अपनी ब्राउज को आप इवनली फिल कीजिएगा एज यू कैन सी इन द वीडियो, एंड एट द एंड आप पुली से उसको ब्लेंड कर लीजिएगा ताकि कोई भी ऐसे स्पार्क एरिया ना रहे, या ऐसा काफ़ी बार होता है कि एक साथ काफ़ी सारा प्रोडक्ट लग जाता है सो वो भी रिमूव हो जाएगा. और मैंने दूसरे ब्राउज को भी फिल कर लिया ऑफ कैमरा. नेक्स्ट जो मैंने लूज पाउडर लगाया था मैं उसको रिमूव कर लूँगी एक ब्रश के हेल्प से. प्रॉपरली रिमूव कर लीजिए पूरे पाउडर को. नेक्स्ट मैंने ये जो आईब्रो पैलेट था उसमें से जो ब्राउन शेड है उसको उसके हेल्प से मैं अपने फेस को कॉन्टोर करूँगी. मैं यहाँ बोल रही हूँ बहुत थोड़ा सा प्रोडक्ट लेना है आपको, एंड टैप कर दीजिएगा एक्सेस प्रोडक्ट को. मैं बताना चाह रही थी यहाँ पे कि आप कोई भी प्रोडक्ट को मल्टीपल यूज़ में ले सकते हो. सो या ये ब्राउन शेड काफ़ी अच्छा कॉन्टोरिंग शेड है मेरे फेस के लिए, सो मैं इसको भी काफ़ी बार यूज़ करती हूँ. मैंने अपने नोज़ को भी कॉन्टूर किया है, फोरहेड को एंड जॉ लाइन को भी. नेक्स्ट मैंने लिया है चीक पैलेट फ्रॉम एसएफआर. देन मैंने इसमें से जो ब्लश शेड है उसको अप्लाई कर लूँगी अपने एप्पल्स ऑफ द चीक से लेकर अपने ब्रॉन्जिंग एरिया तक. एंड मैंने थोड़ा सा अपने नोज़ में एंड चिन में भी अप्लाई किया है. नेक्स्ट मैंने लिया है वेट एंड वाइल्ड का मेगा ग्लो हाइलाइटर विच इज़ इन द शेड प्रेशियस पेटल, एंड इससे मैं अपने फेस के हाइएस्ट पॉइंट को हाईलाइट कर लूँगी. मैंने एक स्मॉल फ्लफी ब्रश लिया है. यू कैन इवन यूज़ योर लाइक आप कोई भी ब्रश यूज़ कर सकते हो हाईलाइटिंग के लिए, इवन यू कैन यूज़ योर फिंगर्स फॉर हाईलाइटिंग. सो या आप देख सकते हो मैंने कहाँ कहाँ हाईलाइट किया है अपने फेस को. मैं अपने क्यूपिड बोज को हमेशा हाईलाइट करती हूँ, उससे मेरे लिप्स काफ़ी अच्छे दिखते हैं, शेप बहुत प्यारा दिखता है. नेक्स्ट मैंने ले लिया है वेट एंड वाइल्ड का सेटिंग स्प्रे, एंड या इसको मैंने पूरे फेस में स्प्रे करके इसको मैं ड्राई होने के लिए छोड़ दूंगी. क्या होगा इससे मेरे पूरे फेस के जितने भी पाउडर्स हैं वो मेल्ट हो जाएंगे. नेक्स्ट मैंने लिया है एस्पा कलर का प्रो आई शेडो पैलेट, उसमें से ये ब्राउनी ऑरेंज शेड है, ये रस्टी काइंड ऑफ अ शेड है, एंड इसको अपने क्रीज में मैं अप्लाई कर ले रही हूँ. ब्लेंड करते जाना है आपको एजेस को. लाइक मैंने अप्लाई किया है बट मैं अपने ब्रश को ब्रश से ब्लेंड भी करती जा रही हूँ ताकि कोई हार्श लाइन ना रहे. नेक्स्ट मैंने ले लिया है ये ब्लैक शेड. ये एक राउंड ब्रश है, स्टिपलिंग सॉर्ट ऑफ अ ब्रश, लाइक डेंस ब्रश है, स्टिपलिंग नहीं, डेंस ब्रश है ये. इससे मैं अपने आउटर कॉर्नर्स में ब्लैक शेड अप्लाई कर लूँगी एंड ब्लेंड भी करती जाऊँगी. ब्लैक कलर को आप जितना कम ले उतना अच्छा है, लाइक एक साथ बहुत सारा ब्लैक कलर ना लें, नहीं तो वो काफ़ी ज़्यादा अनइवन होगा एंड ब्लेंड भी नहीं होता क्योंकि ब्लैक कलर काफ़ी कलर्स के साथ मिक्स हो जाता है. सो या नेक्स्ट मैंने ना वही सेम फ्लफी ब्रश ले लिया है एंड उससे मैं एजेस को ब्लेंड कर लूँगी और ब्लैक कलर को थोड़ा सा टोन डाउन कर लूँगी. नेक्स्ट मैंने लिया है इबोनी का लिक्विड आई शेडो, दिस इज इन द शेड 03. काफ़ी अच्छा आई शेडो है ये, लिक्विड आई शेडो है. ये आई शेडो आपको फेस ब्यूटी में भी मिल जाएंगे, मास्क के भी आते हैं एंड काफ़ी ब्रांड्स के आते हैं. सो या यू कैन ट्राई एनी लिक्विड आई शेडो, सारे एक जैसे होते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं. मैंने कट क्रीज ड्रॉ किया है एंड देन इसको मैंने ड्राई होने को छोड़ दिया है. मैंने दूसरे आईज पे भी कॉपी कर लिया जब तक ये ड्राई हो रहा है, एंड देन आपको मैंने वही सेम ब्रश लिया है डेंस ब्रश, एंड एजेस को मैं ब्लेंड कर लूँगी. मैंने ब्लैक और ब्राउन शेड को मिक्स करके ना एजेस ब्लेंड किया है एज यू कैन सी इन द वीडियो. मैंने लोअर लैश लाइन में भी ब्लैक और ब्राउन शेड को मिक्स करके अप्लाई कर लिया है. पहले मैंने ब्लैक और ब्राउन को पूरे लोअर लैश लाइन में अप्लाई कर लिया है, एंड देन मैंने एक जिसे मैंने अपनी आईब्रोज फिल करी थी ना वो ब्रश में मैंने
ब्लैक शेड को लेकर अपने आउटर कॉर्नर्स में अप्लाई किया है ताकि एक स्मोकी इफेक्ट आए, एज यू कैन सी इन द वीडियो. प्रॉपरली ब्लेंड करते जाइएगा. मैंने हार्श लाइन को भी ब्लेंड कर लिया है. नेक्स्ट मैंने लिया है मेबलिन्स द कलोसल काजल. इसको मैंने वाटर लाइन में अप्लाई कर लूँगी, अपर एंड बॉटम दोनों वाटर लाइन में. सो या ये ट्रिक मैंने काफ़ी बार बताई है कि आप अपनी आईज को क्लोज करके अप्लाई करो तो ये अपर एंड बॉटम दोनों वाटर लाइन में लग जाएगा ईजली. आपको पेन भी नहीं होगा, आंसू भी नहीं आएंगे इसकी वजह से. सो या दिस इज़ अ ट्रिक. नेक्स्ट मैंने लिया है L18 का आई लाइनर. एंड इसको इससे मैं एक बेसिक आई लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ, ना बोल्ड ना विंग, बेसिक आई लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ मैं. नेक्स्ट मैंने लिया है लैक्यू ब्यूटी की आई लैशेज. उसको अप्लाई करने के बाद मैंने मेबलिन का हाइपरकल मस्कारा से उसको ब्लेंड कर लिया है अपने रियल लैशेज के साथ में. लैश अप्लाई करने के बाद मस्कारा लगाना इम्पॉर्टेंट होता है. नेक्स्ट मैंने लिया है क्लैमी की लिप लाइनर विच इज़ इन द शेड L05 चेरी ब्राउन. ये मेरा फेवरेट शेड है, मैं इसको एक्चुअली एवरी डे के लिए वेयर करती हूँ. सो या मैंने पहले इस लिप लाइनर से अपनी लिप्स को लाइन कर लिया है. नेक्स्ट मैं ले रही हूँ मिनीसो की वेलवेट मैट लिक्विड लिपस्टिक. दिस इज़ इन द शेड 04 एंड इसको मैं अपने लिप्स पूरे लिप्स में अप्लाई कर लूँगी. ये मेरा एवरीडे का कॉम्बो है, लाइक या लिप लाइनर एंड दिस लिपस्टिक इज़ माई एवरीडे कॉम्बो एंड काफ़ी प्रिटी है ये शेड फॉर एवरीडे. सो या दिस इज़ द फिनिश्ड एंड फाइनल लुक. Thank you so much for watching this video. I really hope you enjoyed the video, enjoyed this makeup look and found the video really helpful. If you did, please hit the like button. Please share this video to your friends and family जिसके लिए भी ये helpful हो and जिसके लिए helpful ना भी हो उनको भी भेजो और उनको बोलो चैनल को सब्सक्राइब कर दे. एंड ऑल्सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड ऑल्सो please press the bell icon so whenever I post any new video you can easily get notified and also subscribe my channel ताकि मैं ऐसे amazing videos और लाती रहूँ. because actually to be honest मैं अभी बहुत ज़्यादा demotivate हो गई थी क्योंकि subscribers बढ़ नहीं रहे थे and यार मेहनत करो ना तो ऐसा लगता है कि थोड़ा तो होना चाहिए. तो please consider subscribing and I really hope you enjoyed the video. thank you so much for watching. see you all next time. bye bye.